कलमेश्वर के जेएस स्टील में काम करने वाले 45 कामगार लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए हैं, तो वहां कामगारों को 2 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया, जिसके चलते 45 कामगार अब अपने राज्य पश्चिम बंगाल में जाने के लिए सरकार का आदेश और ट्रेनों के इंतजार में है। आइए हमारे संवाददाता संजय मीरे की ये रिपोर्ट। भारत में जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक लोगों के सारे कामकाज बंद पड़े हैं। कोरोना महामारी आने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके के दिहाड़ी मजदूर का हो रहा है। भारत के कई राज्यों और शहरों से कई बड़े सरकारी बिल्डिंग निर्माण हो या हो फिर शहर की इंडस्ट्रीज, हर काम के लिए मजदूर और कामगारों की जरूरत पड़ रही है। स्क्रीन पर दिख रहे ये वो पश्चिम बंगाल से आए हुए 45 कामगार हैं, जो पिछले वर्षों से जेएस स्टील इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, किंतु जब से लॉकडाउन जारी किया गया है तब से लेकर अब तक इंडस्ट्रीज बंद है। ऐसे में इन कामगारों को पिछले 2 माह से तनख्वाह भी नहीं दी गई है। ऐसे में ये सब अब अपने गाँव जाना चाहते हैं। जैसे ट्रेन से लखनऊ की ओर कुछ दिहाड़ी कामगारों को छोड़ दिया गया है, वैसे ही ये लोग भी प्रशासन के हुकुम के द्वारा अपने राज्य पश्चिम बंगाल के तहसील मालदा ग्राम के बुधिया में जाना चाहते हैं, जहां इनका गांव है। इस बारे में दिहाड़ी कामगारों ने इन विशेष समक्ष जानकारी दी। आप देख सकते हैं कि ये तमाम यहां पे 40-45 जो दिहाड़ी कामगार दिख रहे हैं, ये कलमेश्वर के अंतर्गत आने वाले जेके एंड स्टील इस इंडस्ट्री में ये लोग काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से ये लोग अपने घरों में हैं और इन लोगों को पेमेंट तक नहीं दिया गया है। ठेकेदार कुछ थोड़ा बहुत खान पान की चीज़ें देता है, जिसके चलते ये लोग अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग पश्चिम बंगाल के और ये लोग अन्य दिहाड़ी कामगारों के जैसे पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं। आइए उन्हीं की जुबानी उनसे सुनना चाहेंगे। सर आप बताइए कि क्या चाहते हो सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाए। 2 महीने का पेमेंट पूरा रुका हुआ है, इधर बहुत दिक्कत हो रहा है। 1.5 महीने से हम इधर लॉकडाउन में बैठा है, घर में पैसा भी नहीं मिल रहा है, हम घर जाना चाहता है, यही हमारा आवेदन है। कितने लोग हैं? हम इधर 45 आदमी है, सब इधर फंसा हुआ है, हम तो घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा है कि वे लोग अपने पश्चिम बंगाल के बुधिया इस गांव के ये रहने वाले हैं और यहीं पे लोग जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हाल फिलहाल में सरकार की ओर से नागपुर के बरडी रेलवे स्टेशन से एक ऐसी ही ट्रेन चली जिसके अंदर कई दिहाड़ी कामगार को उनके अपने घर तक पहुंचाने का कामकाज किया है, इसी श्रृंखला में इन लोगों को भी सरकार ऐसी ट्रेनों में बिठा के पश्चिम बंगाल की ओर रवाना करना चाहिए, यही गुहार ये तमाम यहाँ के कामगार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।